अनिल जी, मार्केट स्ट्रैटेजी भी बता दीजिए सर, और एक बार पीएनबी पे भी अपडेट दे दीजिए, अगर ये बैन लिस्ट में आ सकता है तो फिर क्या करना चाहिए। वैसे अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव मोमेंटम में है सर, नैसडैक फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहा है, यूके के बाजार 0.5% ऊपर है, और इंटरेस्टिंग बात आज सर यूके के बाजार की यह है कि फरवरी 2020 के बाद वापस इन लेवल्स पर आ चुके हैं यूके के बाजार, यानी कि महामारी में जितना भी इम्पैक्ट आया था पूरा रिकवर करके वापस फरवरी 2020 के लेवल्स पर यूके आ गया है। अगले हफ्ते से यूके की पूरी रीओपनिंग की संभावना है 21 जून से, तो उससे पहले यहां पर भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, पर बताएं सर हम क्या करके जाएं। दीप, तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल मार्केट स्टेबल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है। भारतीय बाजारों में निफ्टी में शानदार रिकवरी हुई है। एक अच्छे करेक्शन की जो जरूरत थी 15,600 तक वो हो गया, 200 पॉइंट का करेक्शन भी आपको मिल गया, 200 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई। देखिए, दूसरा मौका है जब करेक्शन सिर्फ इंट्राडे हुआ है। दीप, दूसरा मौका है, आप देख सकते हैं कि करेक्शन आजकल लंबा टिकता नहीं, पहले डेढ़ दिन का करेक्शन होता था, अब डेढ़ दिन का छोड़िए आधे दिन का करेक्शन खाली रह गया, तो करेक्शन होकर अब बाजार वापस ऊपर की तरफ जाने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में तेजी की पोजीशन बरकरार रखें। जिन लोगों को सेफ्टी चाहिए, या तो 15,600 का पुट ऑप्शन खरीद लें या 16,000 का कॉल ऑप्शन बेच लें, अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से। ज्यादा प्रीमियम देनी है 16,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, कम प्रीमियम में काम चलाना है 15,600 का पोजीशन पुट ऑप्शन खरीद लें, और बिल्कुल थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो दोनों ही ना करें, सिर्फ फ्यूचर्स आपकी जो पोजीशन है बने रहे, या 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। तेजी की पोजीशन में निफ्टी में बने रहना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी 35,000 के आसपास बंद हो रहा है, जैसे थोड़ा सा नीचे हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में मैं एक दिन और इंतजार करूंगा खरीदारी करने के लिए। 35,000 के ऊपर बंद होने पर ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बैंक निफ्टी में नोटा है, निफ्टी में लॉन्ग साइड पर पोजीशन बनाने की राय है, बने रहे। हाँ, अच्छा, दूसरा आपने पीएनबी का पूछा, करेक्ट। तो पीएनबी के बैन में जाने की तैयारी में, जाहिर सी बात है बैन में जाने के बाद थोड़ा सुस्ती आ जाती है, तो अगर बैन के हिसाब से अगर आपका बहुत पोजिशनल व्यू है तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्जिट कर जाएं, क्योंकि अगर बैन में जाने के बाद वो सुस्त हो जाता है, आजकल तो वो ट्रेड बिल्कुल ही इंट्राडे में भी कम हो जाते हैं, कर जाते हैं, तो फिर एक बार आप छोड़ भी सकते हैं, जाने दें, अगर आपकी पोजिशन है तो खाली कर लें, वापस बाद में देखेंगे। बैन में अगर जा रहा है तो फिर बैन में जाने के बाद वो मजा नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, सिर्फ आप अपनी पोजिशन काट सकते हैं। इंट्राडे में भले आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर लें, रोल ओवर आप कर नहीं सकते, तो मेरा ये समझना है कि एक बार आप बैन में जा रहा है तो फिर पीएनबी में से निकल जाएं, बाद में देखेंगे। ठीक, सिंपल ये है जी, क्लियर है सर। तो पीएनबी पर आप मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि शायद बैन लिस्ट में वापस जा सकता है, आप फिर थोड़ा कंसोलिडेट होगा स्टॉक।